कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। दिवाली से दिवाली तक का राशि फल एक नई पहल में आज चर्चा होगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल, एक इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या क्या रहेगा हालचाल, सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक दरख्वास्त, निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना है नहीं, नहीं करते हैं तो कर दीजिए। क्योंकि हर साप्ताहिक राशिफल में आपसे दो कुंडलियां उठाया करेंगे हर साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुंडली देखा करेंगे एक या दो प्रश्न के साथ। चलिए भाई, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये साल अभूतपूर्व है क्योंकि शनि, राहु, केतु, बृहस्पति चारों का गोचर होगा 2025 में। इस दिवाली के बाद 3 महीने बाद ही शुरू हो जाएगा, सबसे पहले मार्च में शनि, फिर राहु केतु, फिर बृहस्पति, और अच्छा गोचर है, कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की लेके आने वाला है। सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके सप्तम भाव से अष्टम में जा रहे होंगे शनि, और खासतौर से क्योंकि भाग्य के मेन कारक ग्रह, धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके एकादश भाव में आ रहे होंगे, तो ये स्थिति दिखाती है घर, गाड़ी, बंगले का सुख मिलेगा, आर्थिक नौकरी की स्थिति सही रहेगी, नौकरी व्यापार में तरक्की करेंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन में आसानी से तरक्की करेंगे। उसी के साथ साथ कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है, व्यापार में लाभ मिल सकता है, कोई बड़ा कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं तरक्की कर सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें, धन रुपया पैसा बहुत अच्छा रहेगा, धन रुपया पैसा बहुत बेहतर रहेगा, पैसा आसानी से बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। उसी के साथ साथ खास तौर से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट घर, गाड़ी, बंगले का कर सकते हैं जिसमें लाभ मिलेगा, कर्ज लेन देन से बचना होगा नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। बात करें खास तौर से आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ा डाइजेशन और थोड़ा हार्ट का ख्याल रखना होगा सर्दियों में, वहां छोटी मोटी उठापटक देखी जा रही है, बाकी जीवन अच्छा दिखता है सिंह लग्न सिंह राशि वालों को। क्या उपाय करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ पूरे साल संडे संडे करना लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। कन्या लग्न कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर ये गोचर लाभ लेके आया है दशम में बृहस्पति, अपने आप में बेहतर। शनि जरूर सप्तम में रहेंगे तो उठापटक रहेगी पति पत्नी के साथ, दांपत्य जीवन में उठापटक रहेगी, लेकिन व्यापार के लिए अच्छे, नौकरी के लिए अच्छे, और खास तौर से अधिकारियों से लाभ मिलेगा। शत्रु परेशान करेंगे, शत्रु के चक्कर में चकचक हो सकती है ऑफिस में, तो कंपटीशन में है, शत्रुओं से परेशान है तो ध्यान रखिएगा। बाकी नई नौकरी की संभावनाएं हैं, प्रमोशन की संभावनाएं हैं, नौकरी में तरक्की की संभावना है, खास तौर से जीवन में आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति बेहतर है, रुपया पैसे की स्थिति बेहतर है, निश्चित तौर पर रुपया पैसा रहेगा, खास तौर से सघन धन आने के योग बनते दिखते हैं, शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा आपको, शेयर मार्केट में चारों तरफ से तरक्की और प्रगति होगी तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके स्वास्थ्य के मामलों की, स्वास्थ्य अमूमन ठीक रहेगा लेकिन डाइजेशन और माइग्रेन पूरे साल परेशान कर सकता है, ध्यान देना होगा। ओवरऑल रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा के लिहाज से एक अच्छा साल कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की बृहस्पति या व्रत कथा करें, इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। आपके लिए ओवरऑल शनि भाव छठे में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति नवम भाव में पहुंच जाएंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और पंचम एकादश में कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज जबरदस्त योग, धन पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है, कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, प्रमोशन के चांसेस बनते दिखते हैं इस साल में, इस दिवाली से अगली दिवाली तक। उसी के साथ साथ सडन कोई बड़ा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा वाला पद मिल सकता है जहां पर आपकी पावर बढ़ेगी, निश्चित तौर पर नौकरी में कहीं ना कहीं तरक्की के योग है, नौकरी में बेहतरी के योग है, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस है, अगर नौकरी में खास तौर से कहीं ना कहीं आपको विदेशों से भी जबरदस्त लाभ मिलेगा, व्यापार बेहतर रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, धन रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा, बड़े गेन्स होंगे, कोई बड़ा रियल एस्टेट में भी फायदा हो सकता है, उसी के साथ साथ बड़े अधिकारी वर्ग या पॉलिटिकल लोगों के करीब आएंगे जिनसे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शत्रु पक्ष खत्म होगा क्योंकि छठे का शनि शत्रु को चल देते हैं, अधिकारियों से लाभ मिलेगा, नौकरी में कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ेगा, कर्ज खत्म होंगे और जीवन में तरक्की करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जबरदस्त है, स्वास्थ्य के मामले में सब सही दिखता है, क्या करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें पूरे साल बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों,
भाई मंगल का साल है 2025, तो बस ये दिवाली से दिवाली तक का है, 2 महीने नवंबर दिसंबर बचे, उसके अगले 10 महीने आपके पास मंगल के रहेंगे। बहुत जबरदस्त लाभ लेने जा रहे हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की होने जा रही है, करियर में बेहतरी होने जा रही है, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल सकता है, बड़ा प्रमोशन हो सकता है, कहीं से सरकारी पद प्राप्त हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है। उसी के साथ साथ खास तौर से जो शत्रु पक्ष परेशान कर रहे थे खत्म होंगे, कर्जों के लेन देन में भी गिरावट आएगी, कर्जों से बच जाएंगे। कोई निश्चित तौर पर अगर नौकरी में परेशान करता था तो वो खत्म हो जाएगा ऐसा शत्रु। अधिकारी वर्ग आपका खुद सहयोग करेंगे जिससे जीवन में तरक्की होगी। व्यापार के मामलों में किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेके ही व्यापार करिएगा, तभी ज्यादा लाभ मिलेगा। खास तौर से स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, ब्लड प्रेशर थोड़ा परेशान कर सकता है, माथे पे या पैर पर चोट भी परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या करें भाई, हनुमाष्टक का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।